तो डैशबोर्ड का वर्क होता है इजिली अंडरस्टैंड एंड इजिली कंपेयर बिटवीन वन की टू केपीआई टू अनदर केपीआई। अब बोलो केपीआई क्या होता है, बहुत जगह पे आपने सुना होगा केपीआई रिपोर्ट, केपीआई रिपोर्ट। केपीआई रिपोर्ट का मतलब होता है की और परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकल इंडिकेटर, सॉरी की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद आप एक डिसीजन लेते हैं। तो डैशबोर्ड का अगर बात करें कि आपका कोई भी जो भी आपके रिपोर्टिंग पर्सन है अगर आपके डैशबोर्ड्स को देखते हैं या आप खुद भी डैशबोर्ड देखते हैं, तो देखने का पर्पस क्या होता है? आप अपने सर्विस, आप अपने प्रोडक्शन या आप अपने सेल्स से रिलेटेड कोई एक डिसीजन ले सके, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, राइट? अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड में चार्ट्स का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि जब भी गूगल पे कोई भी डैशबोर्ड देते हैं या भी कोई भी डैशबोर्ड मुझे भेजता है तो डैशबोर्ड में मोस्टली चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। क्यों शुभम जी, आप मुझे समझाएंगे क्यों ऐसा? सर, चार्ट से डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। आपको पूरा डेटा नहीं देखना होता। अगर आपको सेल्स परफॉर्मेंस देखनी है, जहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई, हंड्रेड ऑफ एम्प्लॉई हैं, किस मंथ कितनी सेल गई, तो आप एक तो जाओगे हर एम्प्लॉय का डेटा देखोगे, चार्ट में आपको इजिली दिख जाएगा ट्रेंडिंग कैसे जा रही है, कैसे क्या है, और उसके हिसाब से एनालिसिस करना ईजी हो जाता है। हाँ, चार्ट देखिए, चार्ट का अगर आपने बोला सही बोला, लेकिन ध्यान रखिएगा चार्ट का इस्तेमाल होता है सिंपल सा इजीली कंपेयर करने के लिए। जब आपको शुरुआती दिन में हम चार्ट पढ़ाए थे तो आपको हमने एक चीज दिखाया था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और वैल्यूज करोड़ों में हैं तो उनको आपस में कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा है, क्या वो आपका इजी नहीं होता है। लेकिन अगर हम चार्ट के थ्रू बताएं कि भी दो में से कौन सा ज्यादा है तो इजीली हम आमनंगी आंखों से कंपेयर कर लेते हैं। इसलिए जैसे ये देख लीजिए ना, इसी में देख लीजिए कि अब यहां पे हम अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में हम इजीली बता सकते हैं ना कि ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है। लेकिन इसी की वैल्यू अगर करोड़ों में होगी तो बताना मुश्किल है ना, राइट? और डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड को अगर सिंपली डिफाइन की जाए तो डैशबोर्ड आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट का एक कंट्रोल देता है। हम लोग डैशबोर्ड को समरी भी कहते हैं, ठीक है सुमन जी? समरी मतलब कि आपने एक एक, एक अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें डिफरेंट 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 शीट्स पे आपने डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में डाली हुई है, लेकिन उन सारी इंफॉर्मेशन की एक समरी हम रख देते हैं समरी सीट पे ना, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपने पूरा वर्कफ्लो डाल दिया, आपने अपने सेल्स का वर्कफ्लो डाल दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन जो वेयर हाउस है उसका आपने पूरा डाल दिया, आपने एडमिन का पूरा या फिर एचआर का जो भी है उनका मतलब वर्कफ्लो है वो डाल दिया, लेकिन एक 50 अलग अलग सीट बना लिया। और पांचवी सीट पे आपने क्या किया कि एक नहीं एक पूरी मतलब कि उसमें सारे के सारे मतलब थोड़ा सा उठा लिया आपने इसका प्रोडक्शन का पूरा एक समरी लेके डाला, फिर इसका पूरा समरी लेके डाला सेल्स का, फिर आपने अपने ट्रांसपोर्टेशन का, एडमिन का, एचआर का डाला और एक समरी बना लिया। तो होता है क्या है कि जब आप रिपोर्ट भेजते हो तो रिपोर्ट किसी एक पर्सन को नहीं भेजते हो, रिपोर्ट आप जो है 10% या 20% को भेजते हो। अब आपने रिपोर्ट को माने कि टेलीकास्ट किया, भेजा, तो उसमें प्रोडक्शन वाला अपना प्रोडक्शन सीट पे जाएगा, अपना रिपोर्ट को डिटेल में देख लेगा,
सेल्स वाला अपने सेल्स सीट पे जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से देख लेगा, लेकिन जो सेल्स प्रोडक्शन एचआर सबको हैंडल करता होगा वो एक एक सीट पे जाके रिपोर्ट देखेगा, उससे अच्छा है कि वो समरी सीट पे रिपोर्ट देख लेगा सबकी, उसको जस्ट ओवरव्यू चाहिए ना सर, पूरा डिटेलिंग में नहीं चाहिए। हाँ डिटेल, उसको कुछ कुछ लगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो फिर इसके सीट पे जाएगा और इसकी रिपोर्ट को देख लेगा। ओके अब बात करते हैं डैशबोर्ड में होने वाले कुछ ट्रिक्स के, जैसे कि रिपोर्ट आपकी बनी हुई है और ये जो देखा एरिया, ये छोटा एरिया है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, तो ऐसा कुछ करूं कि क्लिक करते ही बड़ा हो जाए, जैसे चार्ट बड़ा हो गया ना, दिख रहा है ना सर, क्लिक किया तो बड़ा हो गया, ये छोटा था और छोटा है सर, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये जूम हो गया। क्या इस तरह के फीचर्स एक्सेल में की जा सकती है? क्या बोल रहे हैं सर, की जा सकती है? सर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट जो इससे होता है, नीचे जो स्क्रॉल में होता है, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी तो देखिए वो व्यवहारिक तो नहीं है सर, क्योंकि बंदा जाएगा यहाँ इस तरह से बड़ा जूम करेगा तो वो एग्जैक्ट चार्ट थोड़ी जूम होगा, वो तो पूरा का पूरा सीट जूम होगा ना। हाँ स्क्रीन वो स्क्रीन हो जाता है डिस्प्ले, या तो फिर चलिए आप वो चार्ट का मतलब जैसे मैन्युअली तो खींच के बड़ा कर सकते हैं। फिर बड़ा करना फिर छोटा करना, ये भी व्यवहारिक नहीं है। जैसे गाड़ी ही ले लीजिए ना, गाड़ी स्टार्ट करना था, आपने चाबी लगाया और गाड़ी को मारा, किक मारा, स्टार्ट हो गया। सबसे शुरुआती में क्या था, शुरुआती में क्या होता था, पहले आग जला, कोयला जलाया पड़ता था, एक डीजल जलाया, कोयला जला के पहले उसको गर्म करना पड़ता था, देन उसको स्टार्ट करना पड़ता था। उसके बाद आया क्या, रस्सी फंसाइए और कस के खींचिए, स्टार्ट हो जाता था। शुरुआत में देखेंगे टेम्पो वगैरह स्टार्ट होते थे पहले, अभी भी जो पंप सेट वगैरह गाँव में है वो इस तरह से स्टार्ट होते हैं ना घुमा के। उसके बाद आ गया सेल्फ सेल्फ स्टार्ट, मतलब कि बताइए चाबी लगाइए, बटन दबाइए और स्टार्ट हो जाता है। उससे आगे हाईटेक आएगा कि अंगूठा लगाइए और स्टार्ट हो जाएगा, उससे हाईटेक होगा कि बोलिए और स्टार्ट हो जाएगा। क्या तो व्यवहारिक क्या है जानिए, कि आज के रेट में जो आप बोल रहे हो व्यवहारिक नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं छोटा सा एग्जांपल, ऐसे किया जाए, आज का यही टॉपिक रहेगा, फिर डैशबोर्ड पे आपको स्टडी दूंगा मैं। और तो अब किसी न किसी एंगल से हमने ये समरी निकाला हुआ है, अभी तो मैंने मैनुअल बना दिया है, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह की समरी हमने निकाल ली है। अब मुझे इस पे अपना एक समरी तैयार करना है, मैं कि विजुलाइजेशन तैयार करना है एसपोर्ट। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इंसर्ट और लाइन चार्ट हम यहां से ले लेते हैं। एक सुंदर अट्रैक्टिव चार्ट ही यहां ले लिया हमने, इसको कट करता हूं।
सर वो मार्कर का ऑप्शन बगल में आ रहा था, आप मार्कर लगाना चाह रहे हैं ना? ना मार्कर नहीं, मैं स्मूथ करना चाह रहा था, जैसे स्मूथ लाइन दिखा ना मुझे, स्मूथ तो अच्छा दिखता है ना अब क्या। उसके बाद फीस पे हम आते हैं, इसमें हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक वाली चार्ट, कट किया सभी पे गए यहाँ पेस्ट। मैं कुछ भी उठा रहा हूं लेकिन आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से उठाना होगा, ठीक है ना सर? अभी तो मैं कुछ भी उठा लिया ना सर क्या? यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह डाल सकते हैं। अब ये तो छोटा है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे इस पे क्लिक करूं तो ये बड़ा दिख जाए, इस पे क्लिक करूं तो ये बड़ा दिखे, वापस क्लिक कराऊं तो छोटा हो जाए। आप समझ रहे सर? तो वापस जब मैं क्लिक करूं तो ये छोटा हो जाए। इस सिंपल से हमने अपना एक विजुलाइजेशन बनाया हुआ, टाइटल वगैरह आप डाल सकते हैं इसमें। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ एक सीट पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ा उतना ही कीजिएगा जितना आपका पेज है। तो आप लिंक कर दोगे सर ये शीट फिर वहां पे? देखते तो जाइए सर, इसको जुगाड़ करते हैं। उसके बाद बाकी को जो नीचे जो डेटा है उसको हाइड कर दीजिए, और यहां भी बाकी के कॉलम है वो कॉलम को भी हाइड कर दीजिए। अभी उतना ही एरिया है जितना एरिया में मेरा चार्ट है, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे इस पे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद मैं इस पे हाइपर लिंक आता है एक मिनट, इस नहीं है, ओके ओके ओके, यहाँ इंसर्ट से मिलेगा, राइट क्लिक से नहीं आएगा, इंसर्ट से आएगा लिंक, इंसर्ट लिंक। और इंसर्ट लिंक में हम जो है हमारा शीट थ्री है ना, तो यहां सीट थ्री को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और वापस सीट थ्री पे आया और इसको सेलेक्ट किया, और इस पे जो हमने लिंक लगाया वो हमारा डैशबोर्ड को लगा दिया, वाइस वर्सा, ठीक है सुमन जी? अब देखिए इस पे क्लिक किया इस पे आ गया एकदम जूम की तरह फीलिंग हो रही है ना सर? शुभम जी सर इसमें आपने दोनों शीट को लिंक किया क्या? मेरा थोड़ा वीडियो स्लो हो गया था बीच हाँ में। जी हाँ जी, हमने इस चार्ट को लिंक किया इस सीट से और इस को लिंक किया इस सीट से, समझे?
अब उसी तरह से हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको एक नई सीट पे यहां डाल देते हैं और सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। और अब इसको चार्ट को सिलेक्ट किया, लिंक में यहाँ चार्ट लिंक, हम डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होगा, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शीट फोर को सिलेक्ट कर, दिख रहा है कुछ सर, कि मैं इसको इसको क्लिक किया, ए आया, मतलब कि मेरा विंडो पे ए है, स्क्रॉल कर रखा है हमने, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये तो यहां दिख जा रहा है, बट वो नहीं जा रहा क्लिक कर सही। रहा हूं तो ए इस तरह से हो जा रहा है, क्यों, रीजन क्या है, फिट टू विंडो, फिट टू वो है ना सर। नहीं, जैसे कि आपने इसमें जो लिंक लगाया था, इंसर्ट लिंक किया था आपने इसको सिलेक्ट करके, डैशबोर्ड का लगाया था। डैशबोर्ड का हमने लगाया ना, लेकिन यहाँ पे हुआ है, A1, अच्छा इसलिए A1। अब यहाँ पे हम सेल्फ डिफरेंस दे अब देंगे, इसमें हम A25 लिख, 25 दे देंगे। A25 मैं इस पे क्लिक करूंगा तो A25 पे ही है। अब यहाँ पे मान लीजिए, मान लीजिए इस पे क्लिक किया, यहाँ चला गया, इस पे क्लिक किया तो आप वापस A25 पे आ जाएगा, ठीक है। डाउट तो नहीं इसमें सर। अब यहां पे एक चीज आती है, अब जैसे कि आपने डैशबोर्ड तो बनाया, आपने किया, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा पता कर पाए कि जो हमने अभी चार्ट के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर जो जूम इन एंड जूम आउट का जो ऑप्शन हमने दिया हुआ है, ये ऑप्शन से कोई आइडिया लगाए कि जब इस पर क्लिक करें तो यहाँ शीट 3 एक्टिवेट दिख रहा है ना सर, क्या सर ये शीट अनहाइड ही रखनी होती है डैशबोर्ड में कि हिडन रहती है। नहीं, अनहाइड है, हिडन करेंगे तो थोड़ी जाए पाएगा, जैसे मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ से, मान लीजिए इसको हाइड कर दिया, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, इस क्लियर पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, हो अनहाइड को रखना पड़ेगा। अब अनहाइड रखेंगे, रख रहे हैं तो ठीक है, अब लेकिन पता ना चले ना, ये दिख रहा है ना सब सब कुछ, तो उस केस में दो चीजें, सबसे पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला मेनू बार में आता हूँ, पेज आउट माफ कीजिएगा, और यहां से इसकी हेडिंग को हटा देता हूँ, इसकी भी हेडिंग को हटा देता हूँ, हट गया सर। एक फायदा और, जब इस पर क्लिक कर रहा हूं तो उस पर हेडिंग वेडिंग नहीं दिख रहा है, अब हेडिंग दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्टिव दिख रहा है ना सर, लग रहा है कि जूम हो रहा है ना, पीछे सीट के नेम भी आ रहे हैं। आप क्या करें, यहां फाइल में जाएं, ऑप्शन पे आएं, एक्सेल ऑप्शन, और यहां आपके सामने एडवांस, एडवांस में आएंगे तो आपको यहां वर्ड में शो शीट टैब दिख रहा है, अच्छा ये हटा देंगे। आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है, अच्छा पता नहीं चल इसमें रहा है ना, कोई भी नहीं दिखेगी क्या कोई नहीं दिख रही, हाँ कोई नहीं दिख रही है आपको, तो भाई डैशबोर्ड से नेविगेट हो रहा है ना सर। अब जैसे यहां पर आप है, आपने जैसे इस पे डबल क्लिक किया, यहां आ गया, वापस डैशबोर्ड पे जाना है, वापस क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड पे आ गया आप, फिर। तो जैसे आपने जब चार्ट की क्लास ली थी तो उसमें आपने एक चीज और बताया था, जैसे आपने यहाँ पे दूसरे शीट पे जाके चार्ट को कॉपी किया, रोज हटाया, F11 करके भी आपने बताया था कि ना वो एक शीट का ही चार्ट बन के आ जाता है। हाँ स्टार्ट शीट, तो हम वो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ हिडन ही नहीं हाँ करना पड़ेगा, वो खाली उतना ही दिखता है, वो अपने आप ही फिट टू स्क्रीन भी हो जाता है।
उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है सर। अच्छा मैं अभी एक बार करके दिखा देता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं आई थिंक। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, मैं एक बार स्क्रॉल टैब यहाँ पे देखता हूँ। और यहाँ हमने इसको लिया और हमने F11 था इसका शॉर्टकट। इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, लिंक, आप इस पे लिंक नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है। लेकिन आप इस पे मान लीजिए, इस पे क्लिक, इस पे मैं करता हूँ, इस पे क्लिक, क्लिक करता हूं और इस पे करने के बाद अगर हम जाते हैं इंसर्ट और जाते हैं लिंक, इंसर्ट लिंक, इसमें देखिए चार्ट का कोई नामो निशान नहीं है ना सर। बट समझ गए। वीवीए के थ्रू, ठीक है सर। तो इस कहने मतलब है कि आप जो है इसमें अब लिंक ये चीजों में जो तरीका बताया क्यों होता है, आप लिमिटेड रिसोर्सेस से ज्यादा अपना आउटपुट ले सके, समझे। और डैशबोर्ड का काम होता है इजीली हर चीज को करना। और दो चीज, जब डैशबोर्ड जब बनाते हो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कि आप डैशबोर्ड कुछ इस तरह से बनाए कि सामने वाला पर्सन जो यूज कर रहा है उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। उसको बोलते हैं बेस्ट यूजर इंटरफेस। अब नेट बैंकिंग को देख लीजिए और एटीएम को देख लीजिए। तो एटीएम बहुत ज्यादा, क्या सर, कि कोई भी एटीएम कर सकता है, लेकिन नेट बैंकिंग हर कोई सर। शुभम जी, सर आवाज कट रही है। सॉरी, मैंने बोला कि जैसे एटीएम ले लीजिए, एटीएम को हर कोई यूज कर सकता है, मेरे पापा भी यूज कर लेते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग मैं बोलूं अपने पापा को यूज करने के लिए तो मेरे पापा यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ सर कई बार सिखाने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि एटीएम जो है बेस्ट यूजर इंटरफेस है। तो सेम उसी तरह से आप ऐसा रिपोर्ट बनाओ कि सामने वाला बंदा जिसको आप भेज रहे हो उसको समझो कि बिल्कुल गधा प्रसाद है, और उस नजरिए से बनाओ। तब क्या होगा कि आप हर एक चीज को इजी कर देंगे, ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे कि बंदे को कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाए, राइट सर। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह की चीजों पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।